हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स। अब जो हम भोजन ले रहे हैं दिन भर, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि व्हाट वी शुड ईट अ बैलेंस्ड डाइट, कंप्लीट डाइट, अ फूड व्हिच हैज गॉट ऑल द न्यूट्रिएंट्स। ऐसा खाना खाना चाहिए हमें जिसमें सारे पोषक तत्व हों, ठीक है। अब वो पोषक तत्व हमें एक प्रकार के खाने से तो मिलते नहीं, हमें उसके लिए विभिन्न प्रकार के जो खाने हैं उनको अपने आहार तालिका में इंक्लूड करना पड़ता है। तो अब हम आज ये डिस्कस करेंगे कि ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनका वर्गीकरण किस तरह से, इसको डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया है। डिफरेंट टाइप से इसको क्लासिफाई किया हुआ है। पहले हम अगर मेन हेडिंग्स डिस्कस कर लें तो पहला है पोषक तत्वों के आधार पर। What is this called? The classification according to this nutrients, जो उसमें पोषक तत्व है, nutritive elements जो है उसके according जो classification है, that is your first classification. Second classification is based on function, कार्य के आधार पर। भोजन का क्या कार्य है उसके आधार पर भी हम उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा है नश्वरता के आधार पर। नश्वरता means कितनी जल्दी वो खराब हो जाता है, spoilage. That is called perishability. जो भोजन है वो कितने टाइम तक ठीक रहता है, कब वो खराब हो जाता है, उसके बेसिस पे भी we can classify. Then उद्गम के स्थान पर। उद्गम का स्थान means on the basis of origin, कहाँ से वो food आया है, that we can classify. And the last one is according to the chemical nature, उसके रासायनिक प्रकृति के आधार पर। तो these are the five type of classification. Foods will remain same, no doubt, but the classification is done on different basis. First we will discuss पोषक तत्वों के आधार पर, क्योंकि ये most common है, हम आगे भी पढ़ेंगे तो इसके according ही हम study करने जा रहे हैं। तो main जो classification हम करते हैं वो पोषक तत्वों के आधार पर करते हैं। इसमें जो पहला classification है वो है कार्बोज युक्त भोज पदार्थ। What does this mean? The food product which are rich in carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, जो कि स्टार्च वाले फूड्स होते हैं, जो फूड्स रिच इन शुगर, दैट आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट फूड्स। तो अगेन वी कैन से इट इज क्लासिफाइड इनटू टू, कार्बोज युक्त जो पदार्थ है वो दो में डिवाइडेड है, श्वेत सार भोज्य पदार्थ, ठीक है, जिसमें कि स्टार्च होता है। एग्जाम्पल इसके है चावल हो गया, चावल में आपने देखा होगा बहुत स्टार्च होता है, साबूदाना, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, राई, आलू, रतालू, शक्करकंद, अरबी, ये सब आपने देखा होगा। दीस टाइप ऑफ फूड्स आर, दे आर रिच इन स्टार्च, इनमें बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं कि श्वेत सार होता है। सेकंड है शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ। शर्करा मींस वी कैन कॉल शुगर, स्वीटनेस जिसमें होती है, दैट आर चीनी हो गई, गुड़ हो गया, शहद हो गया, आप मिठाई, मुरब्बा है ना, और इस जो भी मीठी चीजें खाते हो, जैम है, जेली है, जिसमें भी मीठा होता है, गुड़ होता है, ऑल दीस आर शर्करा युक्त भोज्य पदार्थ, फूड प्रोडक्ट्स विच आर रिच इन शुगर। तो आपने देखा कि पहला जो है हम इसके पोषक तत्वों के आधार पे कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या था, अकॉर्डिंग टू कार्बोज, और कार्बोज में दो क्लासिफिकेशन हो गए, एक तो शर्करा युक्त हो गया और एक श्वेत सार, ठीक है। दैट मीन्स आप देख रहे हैं कि इसमें सारे मीठे प्रोडक्ट कवर हो गए, सारे आपके सीरियल्स कवर हो गए। देन कम सेकेंड, वसा भोज्य पदार्थ। वसा नाम इटसेल्फ क्लियर, फैटी फूड्स, फैट। फैट किसमें होता है हमें सबको मालूम है, घी है, तेल है, चर्बी है, मक्खन है, पनीर है ना, मूंगफली का तेल, मलाई, सूखे मेवे एंड मीट, ये सब जो चीजें होती हैं इनमें क्या होता है, फैट होता है, वेरी रिच इन कैलोरीज, तो ये होते हैं वसायुक्त पदार्थ। थर्ड टाइप है प्रोटीन युक्त पदार्थ, जिसमें रिच इन वेरी वेरी रिच इन प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है हम देखेंगे तो कहाँ से मिलता है हमको, अगर हम इसको अच्छे से डिवाइड करते हैं तो देर आर टू टाइप, आप एक तो मोस्टली हम प्रोटीन कहते हैं कि ये जो मांस मछली से आपको मिलता है, तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि पोल्ट्री फूड्स, यहाँ के फूड्स जो कि प्राणिज भोज्य पदार्थ होते हैं, जो कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं, वी कैन क्लासिफाई दिस लाइक दिस कि एनिमल फूड प्रोडक्ट एंड सेकंड वेजिटेबल फूड प्रोडक्ट। तो एनिमल वाले कौन से होते हैं, जो जिनका सोर्स एनिमल होता है वो है मांस, ठीक है, मछली, यकृत, यकृत लेवर खाते हैं लोग, देन अंडा हो गया, दूध हो गया, और दूध से निर्मित, क्योंकि दूध
गाय या भैंस जो कि पशु इसका स्रोत है, इसलिए इसको हम प्राणिज भोज्य पदार्थ कहते हैं। दूसरा है वानस्पतिक भोज्य पदार्थ। वानस्पतिक कौन सा होगा? जो कि आपको वनस्पतियों से मिल रहा है, यानी कि पेड़ पौधों से मिल रहा है, जो खेती करके हम जो प्राप्त कर रहे हैं, जैसे गेहूं, दालें, सूखे सेम, सोयाबीन, आलू, गाजर, शलगम, मेवे, है ना, मूंगफली, नारियल आदि, यानी कि ऑल टाइप ऑफ जो आपके दालें वगैरह हैं जो आप उसको मतलब जो उगा कर प्राप्त कर रहे हो, दीस आर ऑल कॉल्ड वनस्पतिक भोज्य पदार्थ। तीसरा इसमें आएगा खनिज लवण युक्त पदार्थ। खनिज लवण की हम ये कह सकते हैं कि जिसमें मिनरल्स होते हैं, बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, तो वो है आपके मछली, अंडा, यकृत, इनमें सब में बहुत मिनरल्स है। और दालें हैं सेम, मटर और हरी पत्ते वाली सब्जियां हो गई, कंद और जड़ वाली सब्जियां, ये सब क्या है, इनमें आपके बहुत मिनरल्स पाए जाते हैं। दे आर रिच इन आयरन, दे आर रिच इन कैल्शियम, है ना, ऑल टाइप ऑफ मिनरल्स। देन विटामिन युक्त पदार्थ, फूड प्रोडक्ट्स विच आर रिच इन विटामिन। विटामिन हमें कहाँ से मिलता है? हमें बहुत सारे, वही आप देखें तो आपके ये मछली हो गए, अंडे हो गए, दूध से जो बने पदार्थ हैं उनसे आपको विटामिन मिलते हैं। फिर उसके अलावा सब्जियों से, फल से, मेवे से, ये जो सारे फूड प्रोडक्ट हैं ये हमें विटामिन से जो होते हैं, ये विटामिन युक्त पदार्थ होते हैं। तो ये आपने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द पोषक तत्व है, उसमें एक तो कार्बोज रिच हो गया, एक आपका वसा रिच हो गया, एक प्रोटीन के हो गए, एक खनिज हो गए और एक विटामिन हो गए। तो ये 5 तरह के हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमें फूड से प्राप्त होते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन है कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। वो भोजन का क्या कार्य है? भोजन का कार्य हमने पहले भी डिस्कस किया है, देर आर 3 मेन फंक्शंस ऑफ फूड। भोजन का मुख्य कार्य कौन सा है? पहला है शरीर निर्माण करना, ठीक है, शरीर निर्माण यानी कि योर ग्रोथ, आपका बॉडी बिल्डिंग। और ये किससे होता है? ऑल द फूड्स विच आर रिच इन प्रोटीन, विच आर रिच इन मिनरल्स, विटामिन, ये जो फूड है जिनसे कि हमारी ग्रोथ होती है, तो वो होंगे आपके शरीर निर्माण भोज्य पदार्थ, ठीक है। और इसके अलावा सेकेंड आता है ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ, वो पदार्थ जिससे वी गेट एनर्जी। तो वो इसमें सारे फूड कौन से आएंगे? जो कि वसा वाले हैं, ठीक है। हमने ये ऊपर डिस्कस किया, वसा वाले जो पदार्थ हैं वो सब आपके इसमें आएंगे क्योंकि आपसे आपको इनसे एनर्जी मिल रही है। देन कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट वाले सारे फूड भी इसमें आएंगे बिकॉज यू गेट एनर्जी। देन कम सुरक्षात्मक, द फूड्स विच यू गिव्स यू प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किससे हमें दे रहा है? बीमारियों से, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता दे रहा है। तो ये सारे फूड जो होंगे आपके खनिज लवण पदार्थ हो गए, इसके अलावा विटामिन हो गए, और इसके अलावा वी ऑल्सो नीड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस फैट ऑल्सो, बट मैक्सिमम जो है हम ये कहते हैं कि सुरक्षा देने वाले पदार्थों में हमारे विटामिन आते हैं और हमारे मिनरल्स आते हैं। तो दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ फूड। आप देखेंगे कि सारे फूड सब वर्गीकरण में इंक्लूडेड है, बट द टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट। थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है नश्वरता के आधार पे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पेरिशेबिलिटी। नश्वरता मतलब फूड कितने टाइम तक हम उसको सेफली रख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ भोजन ऐसे होते हैं कि जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, यानी कि 1 दिन के अंदर, या ज्यादा से ज्यादा 2 दिन। कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो 3 to 4 weeks, कुछ ऐसे होते हैं महीनों, और कुछ आप सालों तक संग्रह करके रख सकते हो। तो नश्वरता के आधार पे हमने इसको 3 में क्लासिफाई किया है। पहला नश्वर भोज्य पदार्थ, नश्वर यानी कि जैसे कि मैंने कहा है, दीस आर पेरिशेबल फूड्स, द फूड्स विच स्पॉइल वेरी क्विकली इन विद इन 1 डे, कुछ घंटों में, या 1 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 दिन। अब हमें सबको पता है ये वाले फूड कौन से होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि दूध है, दूध को आप ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते हो। इसी तरह से कुछ सब्जियां होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं अगर उनको प्रॉपर स्टोर नहीं किया गया हो। तो ये जो कुछ पेरिशेबल फूड्स होते हैं जिनको हम ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, ऐसे फूड्स होते हैं कि यू हैव टू यूज देयर ओनली, अगर उनको प्रॉपर अपने टेम्परेचर में नहीं रखा है तो वो फूड बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। तो आप सबको मालूम है कि जो बहुत जल्दी खराब होने वाले फूड्स हैं, ऑल द मिल्क प्रोडक्ट्स मोस्टली हम कह सकते हैं, दही वगैरह, ये है आपका 2 दिन 3 दिन, उसके बाद उसकी एक्सपायरी हो जाती है ना। तो ये फूड हो गए 2-3 दिन चलने वाले, फिर अर्ध नश्वर यानी कि
सेमी पेरिशेबल। अब ये वाले फूड कौन से होंगे जो कि आपके 2-3 महीने, 2-3 हफ्ते से 1 महीने तक चल जाते हैं। इसमें हम ये कह सकते हैं जैसे आलू हो गए आपके, प्याज हो गए, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जिनको आप 1 महीने तक थोड़ा रख सकते हो अगर उसको प्रॉपर स्टोर किया हुआ है। तो ये जो फूड है ये थोड़े टाइम तक आप उनको रख सकते हैं। जैसे अंडे हो गए, यू कैन स्टोर देम फॉर 1 मंथ, उसको रख सकते हैं। कुछ बिस्किट्स हो गए है ना, नमकीन हो गई, कुछ फूड्स इस तरह के होते हैं जिनको आप 1-2-3 वीक से लेके 1-1.5 महीने तक रख सकते हैं। देन कम्स नॉन पेरिशेबल फूड, वो फूड जो कि नश्वर नहीं होते हैं। नश्वर कौन से नहीं होते, जो कि आप साल तक रख सकते हो, 1 साल 2 साल। इसमें हम देखेंगे कि सीरियल्स आते हैं जैसे कि आप चावल, चावल को आप रखते हो, गेहूं रखते हो है ना, और दालें होती है हमारी। इसके अलावा अगर और हम एग्जाम्पल ले तो आप अचार डालते हो, उसको आप 1 साल तक उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल करके आप उसको 1 साल तक स्टोर कर सकते हो। देन कम्स योर सॉस, जैम, जेली है ना, इस पापड़, ये आप क्या करते हो, एक एक साल के लिए इकट्ठा बना लेते हो। और कईयों में हम कुछ प्रिजर्वेटिव्स भी डालते हैं, साइट्रिक एसिड जो स्क्वैश वगैरह में डालते हैं, इस तरह से हम इनको स्टोर करते हैं। तो उनके बेसिस पे भी यू कैन क्लासिफाई योर फूड। फोर्थ क्लासिफिकेशन है उद्गम के स्थान, उद्गम के आधार पर, दैट इज बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन। बेस्ड ऑन इट्स ओरिजिन जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि कुछ जो होते हैं फूड जो है एनिमल ओरिजिन के होते हैं और कुछ प्लांट ओरिजिन के। तो पहला है जंतु जगत से प्राप्त भोजन, वो फूड जो कि आपको जंतु से प्राप्त हो रहा है, आपको एनिमल से प्राप्त हो रहा है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये इसमें आता है मांस, मछली, अंडा, दूध, ये सब जंतुओं से प्राप्त होता है। फिर आपका आता है दूसरा वनस्पति जगत। वनस्पति जगत सबको मालूम है कि आपको जो गेहूं है, आपकी सब सीरियल्स हैं, आपके जो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब क्या है, वनस्पतिक प्रोडक्ट है। तो इसके बेसिस पे यू कैन क्लासिफाई। देन कम्स लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड रासायनिक प्रकृति के आधार पर। वॉट इज दिस, अकॉर्डिंग टू इट्स केमिकल फंक्शन, इसका जो केमिकल नेचर है उसके आधार पे यू कैन क्लासिफाई। दीज आर टू टाइप, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स। ऑर्गेनिक मैटर्स में हम ये कह सकते हैं ये वो वाले फूड होते हैं जिनको हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ भी नहीं बचता है, हम उनको उनसे एनर्जी प्राप्त होती है, हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। और ये फूड कौन से होते हैं, मोस्टली वी कैन से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट है ना, इनसे आपको क्या ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं, दीज आर दिस हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, दीज आर द कंपाउंड्स विच आर फाउंड इन दिस। एंड इसका हमें कुछ भी नहीं बचता है, वी यूज इट इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो अकार्बनिक होते हैं, इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वॉट आर दिस, इनको जब यूज किया जाता है तो ये ऐश के रूप में बच जाते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल बच जाता है। और ये जो मोस्टली होते हैं मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जो होते हैं हमारे, हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के निर्माण में, शरीर की रक्षा में इनका प्रयोग होता है। और जो ऑर्गेनिक होते हैं कार्बनिक, वो मोस्टली वी गेट एनर्जी। ठीक है, तो दीस आर ऑल्सो टू टाइप ऑफ वी कैन से केमिकल नेचर के बेसिस पे हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आपने देखा कि भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण हम विभिन्न प्रकार से कर सकते हैं। अब हम इसी से रिलेटेड अगर नेक्स्ट पढ़ेंगे तो आएगा हमारा फूड ग्रुप्स, भोज्य समूह।